हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर। आज हम पॉलिटी टॉपिक पर सबसे पहली क्विज लेने वाले हैं, यानी कि ये पॉलिटी टॉपिक की पहली क्विज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय, जो कैबिनेट मिशन था इंडिया का वो किसने हेड किया था? स्टैफर्ड क्रिप्स ऑप्शन नंबर वन, एवी अलेक्जेंडर ऑप्शन नंबर टू, लॉर्ड पिथिक लॉरेंस ऑप्शन नंबर थ्री, ह्यूग गेट्स क्विल ऑप्शन नंबर फोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड पिथिक लॉरेंस। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन वेयर लॉर्ड पिथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर स्टैफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। तो कैबिनेट मिशन जो इंडिया का था टू इंडिया वॉज हेडेड बाय लॉर्ड पिथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो किसने अडॉप्ट किया? गवर्नर जनरल, सेकंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, थर्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फोर्थ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लीगली इन्फोज्ड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लीगली इन्फोर्स्ड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट पास किया था वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, और वो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अनडिवाइडेड इंडिया के लिए थी जो फर्स्ट मेट कहाँ पे हुई? 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1947 या 3 जून 1947 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, 9 दिसंबर 1946। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली ऑन 9 दिसंबर 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विच इज नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस में 9 दिसंबर 1946 न्यू दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिसेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट रिड्यूस्ड मेंबरशिप वॉज, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डोमिनियन में ऑफ इंडिया के रिसेंबल्ड हुई 31 अक्टूबर 1947 में, इट रिड्यूस मेंबरशिप वॉज, इसकी रिड्यूस मेंबरशिप कितनी थी? 299 मेंबर्स, 311 मेंबर्स, 319 मेंबर्स एंड 331 मेंबर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, 299 मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। अंडर द सीम ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के जो कैबिनेट मिशन प्लान की स्कीम थी उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन डिसंबर 9, 1946। जो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की हुई थी वो हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, विच वॉज बॉयकॉटेड बाय मुस्लिम लीग, और वो बॉयकॉट की गई थी मुस्लिम लीग ने। After the passing of Independence Act 1947, the Muslim League members withdrew from Constituent Assembly, which reduced the strength of Assembly to 299 as against 389, which was originally fixed. और जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 1947 में, मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 389 से रिड्यूस्ड होकर 299 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हुम अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, नीचे देखे में से कौन सा व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इंडिया के? ऑप्शन नंबर वन डॉक्टर बी एन राव, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर थर्ड के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर फोर एम सी सेतालवड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, डॉक्टर बी एन राव। जूरिस्ट बी एन राव वॉज अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। राव प्रिपेयर्ड द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉज लेटर अपॉइंटेड अ जज इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इन द हॉग। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप. जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो इनेक्टेड हुआ बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप. कहाँ पे? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रिजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, या फोर्थ ऑप्शन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम्ड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, वो वॉज सेटअप इन, वो किस साल में सेटअप हुई थी? 1946, 1945, 1947, 1949. मैंने स्वीप कर लिया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 1 1945, ऑप्शन नंबर 2 1946, ऑप्शन नंबर 3 1947 एंड ऑप्शन नंबर 4 1949. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1946. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 May 1946. द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया. नीचे देंगे में से किसने प्रिसाइडेड ओवर द क्या इनॉगरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर 1, सचिन दंदा सिन्हा. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 1, सचिदानंदा सिन्हा. ऑप्शन नंबर 2, बी आर आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर. थर्ड ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड फोर्थ ऑप्शन, पी उपेंद्र. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सचिदानंदा सिन्हा. आंबेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री सी राजगोपालचारी एंड श्री एम असफ अली. 207 रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग 9 वुमन वेयर प्रेजेंट. द इनॉगुरल सेशन बिगेन एट 11 AM विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द असेंबली बाय द आचार्य कृपलानी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नीचे देखे में से कौन सा व्यक्ति चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र प्रसाद. सेकंड, तेज बहादुर सप्रू. थर्ड, सी राजगोपालचारी. फोर्थ, बी आर आम्बेडकर. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बी आर आम्बेडकर. ऑन 29 August 1947, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर आंबेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन. कितनी देर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेगी टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन. कितना देर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लिया पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन. अबाउट 6 months इन 1946, एग्जैक्टली अ ईयर सिंस November 26, 1948, अबाउट 2 years सिंस August 15, 1947, या अबाउट 3 years सिंस December 9, 1946. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अबाउट 3 years सिंस 9 December 1946. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टूक ऑलमोस्ट 3 years, 2 years 11 months एंड 17 days to be precise, to complete its historic task of drafting the constitution for independent India. B.R. Ambedkar in the Constituent Assembly, looking back on the work of the Constituent Assembly, it will now be 2 years, 11 months and 17 days since his first met on 9 December 1946. During this period, the Constituent Assembly has altogether held 11 sessions. Next. क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेजिडेंट कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू. सेकंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. थर्ड, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर. फोर्थ, सी राजगोपालचारी. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली हु वॉज प्रपोज्ड एज इट चेयर. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद unanimously elected as its president. Next. Question number 12. The demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936.
एट इट सेशन हेल्ड एट जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो पुट फॉरवर्ड की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1936 में एट इट सेशन उसके सेशन में जो कहाँ पे हुई कानपुर बॉम्बे लखनऊ या लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड लखनऊ में हुई गई नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभा में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इट्स सेशन एट लखनऊ उन्होंने लखनऊ में एक सेशन लिया ऑन अप्रैल 1936 प्रेसिडेंटेड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। द ऑफिशियल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रेज्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज रिजेक्टेड एज इट्स इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट द डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक डिसीजन में अराइव हुई जो वेरियस प्रोविजंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है बाय मेजोरिटी वोट बाय टू थर्ड्स मेजोरिटी बाय द कंसेंसस और बाय अनैनिमसली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड बाय कंसेंसस। The Constituent Assembly deliberated over various provisions to be incorporated in Constitution and reached a decision by consensus, that means unanimity or agreement of all members. The members of Constituent Assembly were very keen in adopting provisions and discussed at great length until the consent of all members is achieved and doubts are extinguished. Next. Question number 14. The most profound influence on the drafting of the Indian Constitution was एक्सरसाइज्ड बाय द जो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था ड्राफ्टिंग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने एक्सरसाइज किया यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रेंच आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि जो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया ड्राफ्टिंग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ड्राफ्टिंग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज द लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर ए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैड बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द प्रोविजंस सच एज फेडरल सीम जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशंस एक्सेट्रा वेर अडोप्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थ्रू रफली बट प्रोवाइडेड एन आउटलाइन ऑफ गवर्नेंस इन ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैच द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस ग्रुप में कमिटीज है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमिटी सेकंड कमिटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स थर्ड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी फोर्थ वर्किंग कमेटी। देन चेयरमैन कौन कौन थे वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर वन सेकंड जवाहरलाल नेहरू थर्ड कन्हैयालाल मुंशी एंड फोर्थ बी आर आम्बेडकर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी उसके जो चेयरमैन थे वो तो बी आर आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे। तो ए हो गया फोर्थ डी ए हो गया फोर्थ ए फोर थ्री टाइम्स है तो इनमें से और हमें एक फाइंड करना होगा सही वाला जिससे हमें आंसर मिल जाए। इसका बी कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स तो वो वल्लभ भाई पटेल ने शायद और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये जवाहरलाल नेहरू ये कंफर्म है। तो ये सी दो सिर्फ एक में ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर ए फोर यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर आम्बेडकर कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स वल्लभ भाई पटेल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड वर्किंग कमेटी कन्हैयालाल मुंशी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे देखिए में से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की वो इलेक्टेड हुई प्रोविजनल असेंबलीज में इन द ईयर 1946। सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एम एस जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वेर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंडिया के। थर्ड ऑप्शन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन जनवरी 1947।
फोर्थ ऑप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो नीचे देखिए में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें फाइंड करना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 May 1946। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैच द फॉलोइंग July 22, 1947 January 24, 1950 January 26, 1950 एंड March 22, 1957। तो कौन से डेट में क्या हुआ था? एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडॉप्शन ऑफ नेशनल इम्प्लेम बाय द गवर्नमेंट, थर्ड एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट, फोर्थ एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन चारों में से कौन से कैसी पेयर करेक्ट है ये हमें फाइंड करना है। जो एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो हुआ था January 24, 1950 में, तो वो ऐसा यहाँ पे दो ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। और जो एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट वो हुआ था यहाँ पे March 22, 1957 में शायद। तो इसका सही आंसर है, ट्राई करना होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन A4, B1, C2 and D3। यानी कि July 22, 1947 में एडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 27 जुलाई को 1947 के हमारा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्शन किया। फिर उसके बाद B1 यानी कि January 24, 1950 में यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल सॉन्ग जो था हमारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी January 26, 1950 को एडॉप्शन ऑफ नेशनल इम्ब्लेम बाय द गवर्नमेंट, नेशनल इम्ब्लेम को भी अडॉप्ट किया। एंड एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द इंडियन गवर्नमेंट ये March 22, 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। नीचे दिए गए में से कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच है? इंडियंस नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, सेकंड इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, थर्ड इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर एंड फोर्थ इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, वन एंड थर्ड, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर। इंडिया का नेशनल फ्लावर रोज नहीं है, वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है लोटस, और इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल नहीं है। तो तो ये दो आंसर सही थे, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर। नेक्स्ट, और इंडिया का नेशनल बर्ड तो आपको पता ही होगा पिकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द डिसीजन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। जो डिज़ाइन था नेशनल फ्लैग का वो एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कब? July 48, July 1950, July 1947, August 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, July 1947। द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 July 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नीचे देखिए में से कौन से प्रिंसिपल फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के? इंट्रोडक्शन ऑफ डायची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, सेकंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनिकल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, थर्ड डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ टू द प्रोविंसेस and fourth is expansion and reconstitution of central and provincial legislature. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, वन थर्ड एंड फोर्थ जो वो थे प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इंट्रोडक्शन ऑफ डायची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, थर्ड डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, फोर्थ एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट
Question number 21. Which of the following proved to be the most short-lived of all the British constitutional experiments in India? नीचे देखे में से कौन सा सबसे ये प्रूव हुआ कि सबसे कम यहाँ पे वो सक्सेसफुल हुआ शॉर्ट लिव्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इंडिया सबसे कम टाइम के वो ख़त्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन चारों में से कौन सा मोस्ट शॉर्ट लिव्ड था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इंडिया में तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ये सबसे कम टाइम जीवित रहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स ब्रिटिश का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इंडिया में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम नीचे गए में से कौन सा एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 कॉमनली नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम दैट ब्रॉट अबाउट अ लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया इट फॉर्मली इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इट गेव जनरल पावर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस अलो पॉलिटिकली डेंजरस कैंडिडेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्कीस्ट इन द वर्ल्ड नीचे दिए में से कौन सा फीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्कीस्ट इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा बल्कीस्ट बनाने में वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल इट codifies the rights and privileges of the members of parliament and state legislatures. Third, it enumerates all types of Indian citizenship and how it can be terminated. Fourth, it contains not only a list of fundamental rights but also the restrictions to be placed on them. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इट codifies the rights and privileges of the members of parliament and state legislatures. Third, it enumerates all types of Indian citizenship and how it can be terminated. Next. Question number 24. Which of the following statement is or not correct about the objective resolution? Objective resolution के बारे में नीचे देखे में से कौन से statements correct नहीं है? It was moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly. Second, it called for just rights for minorities. Third, it formed the basis for the chapter on fundamental rights. Fourth, it called for the establishment of a socialist and secular polity. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इट formed the basis for the chapter on the fundamental rights. Fourth option is called for the establishment of a socialist and secular polity. Next. Means third or fourth statement जो थे वो करेक्ट नहीं है अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच नीचे देखे में से कौन से जो आइटम्स है रॉन्गली मैच्ड है डिसंबर 9, 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग डिसंबर 9, 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई नवंबर 26, 1949 को द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनएक्टेड एंड गिव टू देम सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 में जो पीपल ऑफ इंडिया थे उन्होंने एडॉप्ट किया इनेक्टेड किया एंड गिव देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन और खुद को उन्होंने संविधान दिया फोर्थ थर्ड ऑप्शन जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइन बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जनवरी 24, 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली साइन हुआ सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने देन जनवरी 26, 1950 द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जनवरी 26, 1950 ये डेट है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तो इसी तरह से 25 क्वेश्चंस तो इनमें से कौन गलत ऑप्शन यहाँ पे हमने चार ऑप्शन अपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इनमें से कौन सा गलत है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन दिसंबर 9, 1947 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग ये गलत है तो
तो इसी तरह से हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए पॉलिटी के। ये पहली क्विज थी पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटी इस टॉपिक के ऊपर। तो इसी तरह से मोटिवेटेड रहे स्टडी में, हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहे। कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका साथ और प्यार हमेशा हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।